हेलो दोस्तों, सिंधी खादों पर आज हम व्रत का स्पेशल खाना यानी कि राजगिरे की कोकी बनाने वाले हैं। कोकी यानी बाखरी। तो बहुत से लोगों को ये डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन मैं आज आपको इसे बनाने का बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले एक कटोरी मैंने यहाँ पे राजगिरा आटा लिया, उसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया और यहाँ पर एक आलू, उसे मैंने बॉयल करके मैश कर दिया है, तो वो भी हम इसमें डाल देंगे। और एक चम्मच, छोटे चम्मच जितना हम इसमें डाल रहे हैं काली मिर्च का पाउडर, और एक चौथाई चम्मच इसमें डलेगा जीरा। साथ ही मोइन के लिए इसमें हम दो चम्मच जितना तेल डाल रहे हैं। अब इन सब चीज़ों को हमें हाथों से मसलते हुए, ताकि आलू भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए ना, इस तरह से हमें इसे सब इन सब चीज़ों को कंबाइन कर लेना है। और इस आटा गूंथने में ना बहुत ही थोड़े से पानी का यूज़ होता है, तो उसका ध्यान रखेंगे। हम थोड़ा थोड़ा करके पानी लेंगे और हमें एकदम कड़क आटा गूंद के रेडी करना है, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, आटे को मसलेंगे, ताकि जो हमने इसमें आलू डाला है ना, वो एक जगह पे ना रह जाए, सारे में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बस जब हमें ये कोकी बनानी है ना, तभी ही इस आटे को गूंदें। अगर पहले से गूंद के रखेंगे ना, तो ये बहुत जल्दी नरम हो जाता है और कोकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी, आप बेल ही नहीं पाओगे उसे, वो चिपक जाएगी चकले पे ही ना। इसलिए तो जब बनाना है तभी हम आटा रेडी करेंगे और थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और हल्का सा ऐसे मसल देंगे हम। तो बस ये कड़क सा हमारा स्टिफ आटा रेडी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से बड़ा लोया लेंगे और जैसे हम नॉर्मल कोकी बनाते हैं ना, सिंधी लोग तो जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं, तो कोकी एक रोटी ही होती है, पराठा ही जैसा होता है, थोड़ा थिक होता है और क्रिस्पी बनती है वो। तो देखिए, वैसे ही उसको हम हल्के हाथों से बेल लेंगे, क्योंकि ये ना इसमें ग्लूटेन बिल्कुल नहीं होता, इसलिए काफ़ी जल्दी नरम हो जाता है और चिपचिपा होता है ये। तो बहुत ही ध्यान से, बहुत ही जेंटली हम इसे बेलेंगे और थिकनेस इसकी मीडियम होती है, ना ज़्यादा मोटा और ना ज़्यादा पतला। ये देखिए, तो अब तवा गरम करके हम इस बाखरी को दोनों साइड से अच्छे से सेक लेंगे। थोड़े से पेशेंस रखने हैं, पहले ही ऑयल या घी नहीं लगाएंगे हम। जब देखिए ये ब्राउन कलर इसका आना स्टार्ट हो जाएगा ना दोनों साइड से, ये साइड देखिए, ये है ना एकदम परफेक्ट है। जब इतना अच्छे से सिक जाए ना, उसके बाद आप ऑयल या घी इस पर लगाइए और फिर इसे पलट के दूसरी साइड भी हम ऑयल या तेल या घी, जो भी आपको लगाना है वो लगा लेंगे। और इसी तरह से इसे दोनों साइड से हम सेक लेंगे, तो बहुत ही क्रिस्पी और सॉफ्ट और ऐसे यू नो फ्लैकी कोकी बन के रेडी होगी। और व्रत में तो क्या, आप वैसे भी इसे बहुत बार बना के खाएंगे, ये इतनी टेस्टी लगती है, क्योंकि इसमें आलू वगैरह हमने सारे डाले ना, जीरा, तो सबका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो इसमें गर्मा गर्म इसे हम सर्व करेंगे ठंडी ठंडी दही के साथ, और दही में थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ी काली मिर्च पाउडर डालेंगे, तो दही का भी टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, खाने का मज़ा ही आ जाएगा आपको। तो बिना व्रत के भी बनाने वाली ये कोकी, आप मुझे बताना कैसी बनी थी, अच्छी लगी आपको या नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड बाय।